स्वागत है मेरे चैनल फिजियोल्यूशन में। मेरा आज का टॉपिक है शिन स्प्लिट, जो कि मोस्टली स्पोर्ट्स प्लेयर में पाया जाता है, जो रनर्स होते हैं। अगर आप हाई हील ट्रेनिंग करते हैं उसकी कारण की वजह से भी शिन स्प्लिट होने के चांसेस होते हैं। सो, आपका जो शिन स्प्लिट पेन है, ये आपकी टिबिया बोन होती है ये, और इधर फिबुला होती है। सो, जो टिबिया के आप मीडियल साइड पे देखेंगे, मोस्टली मीडियल साइड में कुछ लोकलाइज आप अगर प्रेस करेंगे तो पेशेंट्स बताएंगे कि इधर इस एरिया में आपको पेन है, टेंडनेस है, जिसे मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी कहा जाता है। सो, आपको एंटीरियर शिन पेन भी हो सकती है और पोस्टीरियर शिन पेन भी हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी शिन पेन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं विद वेरी बेसिक स्ट्रेचेस एंड फ्यू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। सो अनदर स्ट्रेचेस, आप क्या करोगे, अपने इस तरीके से एक बैंड लेंगे और अपने फुट को अपनी तरफ खींचेंगे। देखिए, ये नॉर्मल है और इस तरीके से आप अपने पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पे आप 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर इसको रिलैक्स कर देंगे। इस स्ट्रेच में आप एक पैर ऊपर रख सकते हैं और दूसरा पैर ग्राउंड पे, नहीं तो दूसरा पैर भी आप ग्राउंड पे ही रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा स्ट्रेच आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा एलिवेट कर लेंगे और इस पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे। सो, ये भी बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रेच है जिससे आप अपना शिन पेन को कम कर सकते हैं। सो, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे जो पंजे हैं वो इस बॉक्स के ऊपर है, बाकी जो हील्स है वो बाहर की तरफ है। तो मैं अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाऊंगी ताकि मैं इसे स्ट्रेच फील कर सकूं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरी जो काफ मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही है। बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रेच है जो मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए, आप आए फिर से नॉर्मल में और फिर अपने हील्स की तरफ अपने पैरों का वेट डालते हुए स्ट्रेच। सो, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपके जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं फुट की, उसकी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ इसमें, जिसमें आपको इस तरीके से टॉवल को नीचे रख के अपने पैरों से जो उंगलियां हैं उनसे अपनी तरफ खींचना है। इससे क्या होगा, जो आपकी फुट की मसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और स्ट्रेंथनिंग भी होती है। प्लस इसी को इस पोजिशन में आप लेके जा सकते हैं लाइक दिस। बॉल ले सकते हैं, सॉफ्ट बॉल ले सकते हैं और अपने एड़ियों के बीच में रखते हुए उसको दबाते हुए आपको अपने पंजों पर आना है इस तरीके से, फिर नीचे आना है। पंजों पे आप 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, ये भी आपके शिन पेन में बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। सो, बाकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे, आप एक थेरामैन लेंगे, उसको एक पोजीशन पे ऐसे होल्ड करेंगे और फिर आप उसको अपोजिट साइड में ऐसे मूव करेंगे। ये देखिए, जो आपकी लेंथ है थेरामैन की ये सेम रहेगी, सिर्फ इसमें आपकी एंकल मूवमेंट हो रही है, आप अपने एंकल को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ये एंटीरियर ग्रुप्स हैं मसल्स के, ये स्ट्रेंथनिंग आउट होंगे। आप इसको 10 बार कर सकते हैं, 10 टाइम्स आप इसको रिपीट कीजिए। सो, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल फिजियोल्यूशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।